कल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको क्या किया था, लायबिलिटी क्लॉज तक बता दिया था। आज हम करते हैं कैपिटल क्लॉज को चेंज करना। कैपिटल क्लॉज चेंज करने का मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि मेमोरेंडम में ना ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखा होता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब वो स्टैंडर्ड लिमिट है जिस हद तक आप शेयर सेल करके कैपिटल कंपनी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो जब आप ऑथराइज शेयर कैपिटल के ऑल्टरेशन की बात करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, या तो आप चाह रहे हो ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो, जैसे अभी आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल मैं बोलता हूँ 1 करोड़ है, अब इतने शेयर आपने सेल कर दिए हैं, 1 करोड़ आ गया, अब और चाहिए, उसको 1 करोड़ को 5 करोड़ कर दो, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आप कंसोलिडेशन या डिविजन कर सकते हो। अच्छा, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, डिविजन कर सकते हो। तो पहले कंसोलिडेशन बताता हूँ फिर डिवीजन बताता हूँ। सपोज करो मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ है। अभी 1 करोड़ आपको कैसे लाना है, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 लाख इक्विटी शेयर बेचने होंगे 10 रुपए के, ठीक है। अब इसको अगर मैं कंसोलिडेट करूं तो मैं वैल्यू डिनोमिनेशन बढ़ा दूंगा, तो मैं बोलता हूं कि अभी लिखा था हमारे MOA में कि 10 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे 10 रुपए का, इस तो 1 करोड़ आएगा। अब मैं इसको कर देता हूं कि 10,000 इक्विटी शेयर बेचेंगे एट द रेट ऑफ 1,000, तो अगेन अभी भी कितना रहा है, अभी भी आ कितना रहा है, तो आप देखोगे तो आ तो रहा है 1 ही करोड़ ना। पहले 10 लाख शेयर बेचते थे 10 रुपए ईच के, अब उसको कंसोलिडेट कर दियो तो अब कितने का कर दियो, 1,000 रुपए का कर दियो, तो अब 10 लाख शेयर ना बेचकर कितने शेयर बेचना पड़ेगा, 10,000 शेयर, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। अच्छा, डिविजन क्या होता है, तो सपोज करो MOA में लिखा हुआ है 1 करोड़ आपका कैपिटल है, कैसे आएगा, तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 1,000 ईच के। अब आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो डिवीजन का मतलब बेसिकली होता है डिनोमिनेशन को कम कर देना। जैसे 1,000 है तो चलो मैं डिनोमिनेशन कर देता हूँ 100, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पहले मैं 10,000 शेयर बेचता था, तो अब मुझे कितने बेचने पड़ेंगे, 1 लाख शेयर बेचने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेशन को बढ़ाना मतलब कंसोलिडेशन होता है, और घटाना मतलब डिवीजन होता है। तो ऑल्टरेशन में या तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हो, या कंसोलिडेशन या डिवीजन आप कर रहे हो, या तो अपने शेयर को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो। शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने का मतलब बेसिकली होता है, जैसे मेरे यहाँ 50 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के, और 100 इक्विटी शेयर हैं मैं बोलता हूँ 50 रुपए के, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास 1,000 इक्विटी शेयर है, मैं ये बोलता हूँ ये 20 रुपए के। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली अलग अलग डिनोमिनेशन के इक्विटी शेयर है। अब इसको स्टॉक कैसे बनाएं, तो जैसे 50 इक्विटी शेयर है 100 रुपए के, 100 इक्विटी शेयर है 50 रुपए के, और 1,000 इक्विटी शेयर है 20 रुपए के, तो आप ये देख लो ना टोटल शेयर आपके पास कितने हैं, तो आपके टोटल शेयर कितने, 1,150 शेयर है। तो आप जब इसको शेयर की टोटलिंग कर दोगे ना, तो इसको स्टॉक बनाना बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे 1,150 शेयर का स्टॉक बना दिए, तो यहाँ पे एक टोटल अमाउंट निकालो कितना आ रहा है, 500 शेयर, 50 शेयर 10 रुपए का मतलब 500 रुपए, प्लस 100 शेयर 50 रुपए का मतलब 5,000, प्लस 1,000 शेयर 20 रुपए के मतलब 20,000, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, 25,500 हो रहा है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे एक ऐसा डिनोमिनेशन डाल दो जो 1,150 शेयर बेचने पर कितना आ जाए तुम्हारे पास, 25,500 रुपए आ जाए। तो जैसे कैलकुलेटर से इस चीज को मैं अगर करके देखता हूँ, अगर मैं इस चीज को कैलकुलेटर से करके देखता हूँ, तो अभी तक मैं ऊपर जब बेच रहा था तो कितनी वैल्यू के शेयर बेच दे रहा था, 25,500 के मैं शेयर बेच दे रहा था। अब मैंने उसको स्टॉक कर दिया, पहले डिनोमिनेशन क्या थी, अलग अलग थी, अब मैंने एक कर दिया कि मैं टोटल मेरे पास शेयर कितने 1,150 है ना, 1,150 है। अब पहले वैल्यू कितनी थी, 25,500, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 1,150 से, तो अब मेरा एक शेयर जो बिकेगा डिनोमिनेशन में वो बिकेगा 22 रुपए 17 पैसे। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं, शेयर अलग अलग डिनोमिनेशन में हो सकते हैं, उनको कॉमन दिखाना या कॉमन वैल्यू दिखाना स्टॉक कहलाती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपके यहाँ 1 टीवी 10,000 की है, 1 टीवी 50,000 की है, और 1 टीवी 1 लाख की है, लेकिन आपसे कोई पूछे स्टॉक में कितनी टीवी है, तो आप क्या बोलोगे, 3 टीवी है ना,
तो सेम वैसे ये अलग अलग डिनोमिनेशन है तो उसको स्टॉक बना दिए, तो 50, 100 और 1150 है। अब उसके बाद आगे इसमें क्या बोल रहा है, फिर से उसको शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो किसी भी डिनोमिनेशन में, तो कॉमन डिनोमिनेशन क्या 22 रुपए 17 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 1150 करोगे तो तुम्हारा वही अमाउंट आएगा 25,500। ठीक है, ये नहीं समझ आएगा तो फिर बताना, फिर समझा दूंगा मैं। ये कैंसल का कंसेप्ट जो होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का कंसेप्ट है, आपको ये मैंने एक बार पढ़ाया हुआ है, आपको ध्यान होगा, आपकी कॉपी में भी है, ये डी पॉइंट मत पढ़ना। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में पूछता है कि ऑल्टरेशन के मायने क्या है, तो इंक्रीज करना, कंसोलिडेट डिवाइड करना, स्टॉक में कन्वर्ट करना और शेयर को कैंसिल करना। आप भूल गए होगे तो मैं आपको याद दिला दूँ, इसको डी माइन्यूशन भी कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बोल दिया मेरा कैप शेयर जो है 1 2 3 4 5 6 इक्विटी शेयर है, और मैं इसको बेचूंगा 10 रुपए ईच में, 10 रुपीज ईच में। अब 7 रुपए मेरे पास आ चुका है, 7 रुपए मेरे पास आ चुका है, अब मेरे को बचे 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल करा सकता हूँ, इसको डिमाइन्यूशन बोलते हैं। मैं बोलूंगा ये 7 रुपए से मेरे कंपनी का काम चल जाएगा। तो इतने तरीके से शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन होता है। अब तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो आप अपना चेक कर दो आर्टिकल में ऑथराइजेशन है कि नहीं, लिखा है कि नहीं कि आप ऑथराइज शेयर कैपिटल को बदल सकते हो कि नहीं। सर ये कैसे पता लगेगा, तो लैंग्वेज ऐसी दिखनी होती है, एमओए और एओए में लैंग्वेज ऐसी दिखनी होती है कि आवर ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना है एंड कैन बी ऑल्टर्ड, ऐसा लिखना ही मतलब क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है। अगर ये लाइन ना लिखी हो तो ऑथराइजेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो पहले चेक कर दो ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। दूसरी चीज, तुम बोर्ड मीटिंग बुलाओ। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, इतनी बार बात आ चुका हूँ कि समझ आ गया होगा। ईजीएम का नोटिस इशू करो, जनरल मीटिंग बुलाओ। जनरल मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन, तो दोनों ही पास हो सकते हैं, ऑर्डिनरी या स्पेशल। जनरली ऑर्डिनरी और स्पेशल में आपको मैं डिफरेंस बता दूं, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इस प्रोसीजर के लिए क्या होता है। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल दोनों में ऑथराइज शेयर कैपिटल को लेकर सेम लाइन लिखी होती है, तो इसको चेंज करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है। लेकिन अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल में लाइन से डिफरेंट दिखी है ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में, डिफरेंट लाइन का बेसिकली मतलब होता है लैंग्वेज अलग अलग टाइप से लिखी है, तो स्पेशल लगता है। ये एक डीप कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ये याद रखो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉर्मली पास किया जाता है। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, कंपनी से अप्रूवल मिल गई तो आरओसी के पास ही तो जाते हैं, तो यहाँ 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म SH7 जमा करना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, SH7 जो फॉर्म होता है ई फॉर्म है, ये किस लिए होता है, ये बताने के लिए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेनली आपके 5 स्टेप में खत्म हो जाता है बेटा, इसके आगे आप स्टेप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, इट इज ओनली अ 5 स्टेप। मेनली एग्जाम में जो इससे पूछता है, ये पूछता है कि ऑल्टरेशन कैपिटल क्लॉज में कैसे कैसे होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज पे, हम आते हैं एओए के ऑल्टरेशन पे, आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन पे। ठीक है, तो आर्टिकल्स आखिर क्या क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो क्या ये चेंज हो सकते हैं, जवाब है हाँ बिल्कुल, रूल एंड रेगुलेशन जो है वो चेंज हो सकते हैं। हाउएवर इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और एग्जाम में भी बेटा आपसे जो पूछता है वो रिस्ट्रिक्शंस ही पूछता है कि आप क्या है एओए में ऑल्टरेशन करने जा रहे हो, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, रोक क्या है। तो सबसे पहला, ऑल्टरेशन में कोई भी ऐसा रूल नहीं डाल सकते जो मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो। दूसरा, ऑल्टरेशन में ऐसा कोई रूल नहीं डाल सकते जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो। कोई ऐसा रूल नहीं चेंज होके आ सकता जो इलीगल हो। जो भी रूल होगा मेंबर्स के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए कंपनी की तरफ से, किसी तरीके की रूल आप बदले जिससे कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मेजोरिटी शेयर होल्डर फायदा उठा लिए, माइनॉरिटी का नुकसान हो गया, तो चीज अलाउ नहीं है। ये केस में जो बोला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हो सकता आर्टिकल में चेंज का जिसे मेंबर की लाइबिलिटी इंक्रीज हो। हमेशा याद रखना, कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और आर्टिकल में ऐसा कोई नियम नहीं डाल सकते जिसे मेंबर की लाइबिलिटी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक, किसी कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान हो रहा हो तो आर्टिकल में चेंज आने नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल का चेंज रेट्रोस्पेक्टिव या पास्ट डेट से नहीं होगा, जिस डेट से आपने चेंज किया है इफेक्ट जो है ऑल्टरेशन का उसी डेट से आएगा। नेक्स्ट, एनसीएलटी ने यदि आपको कोई ऑर्डर दे दिया जिसको आपको फॉलो करना है, तो आप अपने आर्टिकल में ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। मैं आपको सारा रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी ऑल्टरेशन एमओए के अगेंस्ट नहीं जा सकता। दूसरा, इंडियन कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकता।
इलीगल नहीं हो सकता, कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, पास्ट डेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में यही पूछेगा, आपको इसको एकदम अच्छे से क्या है करना होगा बेटा, ठीक है। और दूसरी चीज ये पूछता है चेंज कैसे कैसे आते हैं, या तो पूरा नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप अडॉप्ट कर दो, या तो कोई नया क्लॉज इंसर्ट करो, किसी क्लॉज को डिलीट करो, किसी क्लॉज में अमेंडमेंट लाओ, या किसी एक क्लॉज को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तरीका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसको अच्छे से करना। तरीका क्या है, तो ऊपर आज तक जो पढ़ते हैं यार वही है, 7 दिन का नोटिस देके बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग होगी, अब क्या करो, नोटिस देके जनरल मीटिंग बुलाओ, तो जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दो। अच्छा, ये बीच में जब काटता हूँ पॉइंट है, लिस्टेड कंपनी के लिए सिरदर्द का मैं मत किया करो। अब हो गया, अब क्या होगा, शेयर होल्डर आएंगे जनरल मीटिंग में, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, रिजोल्यूशन पास हुआ है तो उसके 30 दिन के अंदर MGT 14 ROC के पास जमा कर दो, माना जाएगा आपकी कंपनी का जो आर्टिकल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इफेक्ट क्या है अल्टरेशन का, तो बेसिकली ये आता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी से बाउंड हो जाते हैं, जो रूल अगर चेंज भी हुआ है तो ओरिजिनल रूल को भी आप फॉलो करते थे ना, तो रूल में अगर चेंज आ भी गया है तो भी आपको फॉलो करना होगा। अगर बात सेक्शन 8 कंपनियां चैरिटेबल पर्पस कंपनी की जाए, तो अगर इनको अपने आर्टिकल में ऑल्टरेशन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको ना पूरा कंप्लीट करा दिया है क्या, वॉल्यूम 1 जिसमें कंपनीज एक्ट के बारे में आपने सारा जान लिया, अब जो क्वेश्चन आएंगे इतने में से आएंगे। अब मैं वॉल्यूम 2 जो है आपको कल से पढ़ाना चालू कर दूंगा, कल टेस्ट भी दूंगा और आपको वॉल्यूम 2 में स्टार्ट करूंगा। वॉल्यूम 2 हमारा 29 तारीख तक चलेगा और आपका पार्ट ए जो है वो खत्म हो जाएगा। बेसिकली 29 तारीख को बुक ले जाना वॉल्यूम 2 की, और जो वॉल्यूम 1 की नहीं देगा है वो तो अभी रखी हुई है क्लास में, है ना, तो ये काफी है, कल से वॉल्यूम 2 चालू करा रहा हूँ।